तो वेलकम बैक गाइस टू द वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्पल का जितना भी सारा प्रोडक्ट है वो एंड्रॉयड का प्रोडक्ट के हिसाब से इतना ज़्यादा फास्ट काम क्यों करता है, मतलब डिवाइसेस का ही बात कर रहा हूँ, इतना फास्ट काम क्यों करता है। लेकिन मुझे पता है आप लोग में से बहुत लोग मेरा गेम प्ले के लिए बोल रहे हो कि आप गेम प्ले डालो, आप गेम प्ले डालो। यस डालूंगा, लेकिन एक बार BGMI iOS के लिए अवेलेबल हो जाए। मैं अपना iPad mini 5 का खुद से अभी पर्सनली यूज़ ही नहीं कर पाया हूँ जब से मैं खरीदा हूँ। ओके, तो मुझे भी ख़राब लगता है कि BGMI iOS पे अभी तक नहीं आया, तो उसी के रिगार्डिंग वेट कर रहा हूँ। एक साल वेट किया, अभी और 2-3 दिन ही बाकी है, और 2-3 दिन वेट कर ले तो उसके बाद आप लोग के लिए ऐसे iPad के रिगार्डिंग वीडियो भी आएगा और उसके साथ साथ गेम प्ले भी आएगा। ओके, तो सब मैं प्लान कर चुका हूँ, अब लोग कुछ दिन बस रुक जाओ, गेम प्ले वीडियो कुछ दिन बाद ही आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे अभी वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो कैसे देखो, एंड्रॉयड जो है ना वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है एप्पल के कोई से भी डिवाइस के मुकाबले। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एंड्रॉयड का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि एंड्रॉयड क्या करता है, उसका जो प्रोडक्ट है ना वो बस एक ही कंपनी डिज़ाइन नहीं करता या फिर एक ही कंपनी नहीं बनाता, उसका जितना भी सारा प्रोडक्ट है अलग अलग कंपनियाँ बनाता है। लाइक जैसे आप लोग वन प्लस को पकड़ लो, वन प्लस उसका जो रॉम है वो खुद डेवलप करता है गूगल से लेने के बाद ऑक्सीजन ओएस के नाम से, राइट। लेकिन उसका हार्डवेयर देख लो, उसका हार्डवेयर स्नैपड्रैगन बनाता है क्वालकॉम, और भी बहुत सारे हैं GPU वगैरह वो भी क्वालकॉम बनाता है, फिर बाकी जितना भी सारा फीचर्स है ना, डिस्प्ले हो गया या फिर साउंड सिस्टम हो गया या फिर स्पीकर हो गया, मतलब कोई सा भी चीज़, कैमरा हो गया, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग कंपनियाँ डिज़ाइन करता है, तो वो एक ही डिवाइस में इतना अच्छे से सिंक नहीं करता है और इतना अच्छे से काम भी नहीं करता है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग अगर एप्पल को देखोगे ना, तो एप्पल जो है अपना जो सॉफ्टवेयर है और अपना जो हार्डवेयर है ये खुद से डिज़ाइन करता है, और खुद से डिज़ाइन करने का फ़ायदा वो लोग को ये मिलता है कि वो लोग को पता है कि एग्जैक्टली कौन से जगह पे कितना पावर को बूस्ट करना है ताकि वो सॉफ्टवेयर इस उतना अच्छे से हैंडल कर पाए। जैसे कि इस साल का जो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर में जो प्रॉब्लम हुआ ना, वो हम लोगों को वन प्लस में देखने को मिला था कि स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर कुछ देर यूज़ करने के बाद ही बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, क्योंकि वन प्लस 888 प्रोसेसर में हम लोगों को क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा दे गया था उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्नैपड्रैगन ने ये चाह रहा था कि एप्पल वालों को बेंचमार्क में टक्कर दे, मतलब एप्पल वाले का जितना भी ए सीरीज़ है ना, ए सीरीज चिपसेट A12 A13 A14 जितना भी चिपसेट है वो बेंचमार्क में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। वहाँ पे स्नैपड्रैगन वाले ने क्या किया कि आउटरन करने के लिए एप्पल का ए सीरीज़ को, वहाँ पे स्नैपड्रैगन का 888 जो प्रोसेसर है उसको ज़्यादा ओवरक्लॉक कर दिया। इसके वजह से क्या होता है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना उसका, जो GPU है, जो GPU जितना देर में ग्राफिक्स को लोड करवाता है उसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगा, ठीक है। मतलब आप सोच ही सकते हो, ओवरक्लॉक अगर कुछ भी चीज़ों को कर दोगे तो कुछ भी चीज़ें तो अच्छा नहीं है ना, उस जगह पे बहुत ही जगह हीट होता है। क्योंकि अगर 660 GPU के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर 650 GPU यूज़ करता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन वो छोड़ो, मैं इतना तो नॉलेज वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है वो मारो भी अभी कुछ बंदे कमेंट में ना गाली देने आ जाए कि भाई आप कैसा बोल रहे हो ऐसे सब देखो भाई ऐसा मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पर्सनल ओपिनियन दे रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ कि वो लोग खराब है बुरा, एंड दैट्स नॉट द थिंग। ऐसा नहीं है कि गूगल वाले या फिर एंड्रॉयड वाले ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है गूगल के टेंसर चिप नाम से एक नया चिप आ रहा है, वो लोग नया पिक्सल डिवाइस जो आएगा उसमें हम लोग इंप्लीमेंट होते हुए दिखेगा। तो शायद अगर गूगल जब अपना सॉफ्टवेयर भी पता है, गूगल सॉफ्टवेयर मामले में कितना ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा बेहतर है, अब लोग GCam का एग्जाम्पल ले लो, वो कितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, लाइक ऑब्वियसली एप्पल से। लेकिन वो लोग अगर हार्डवेयर की बात करें ना, तो वो खुद से डिज़ाइन कर रहा है गूगल का जो टेंसर चिप आ रहा है वो। तो अब देखने लायक ये होगा कि गूगल अपना हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ इतना अच्छे से बेस्ट सिंक हो पाता है। लाइक ऑब्वियसली एप्पल को बीट करने का इतना नहीं सोच रहा हूँ, बट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ चीज़ जहाँ पे कुछ भी ज़्यादा हम लोगों को इतना ज़्यादा लैग या फिर हीट वो सब चीज़ें देखने को ना मिले, एक बेटर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वो देखने को मिले। सिक्योरिटी की बात मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की बात ही मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से शायद हम लोगों को बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है पिक्सल के तरफ से। अगर ऐसा होता है तो शायद ये स्नैपड्रैगन को भी पीछे छोड़ सकता है, ओके, क्योंकि बहुत सारे और भी एंड्रॉयड कंपनी होगा जो इस चीज़ को अप्रोच करेगा, खुद से अपना जो चिपसेट है वो बनाने लगेगा। जैसे सैमसंग भी अपना एक्सिनोस बनाता है, लेकिन वो तो एक अलग ही कहानी हो जाता है, सैमसंग बहुत ही ज़्यादा चोक करता है परफॉर्मेंस के मुकाबले। ऐसा नहीं बोल रहा कि ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवेयर जब यूज़ होता है तब उस जगह पे थोड़ा दिक्कत होता है, ओके।
मतलब ऑब्वियसली यार एंड्रॉयड का पता नहीं यार क्या सीन है, मतलब इतना ज़्यादा लैग हीट ये सब पता नहीं अभी तक क्यों फिक्स नहीं हो पाता है ये। इसका रीजंस भी भाई इतना सारा है, सबको ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी फिक्स नहीं हो पाता है। इतना अच्छा अच्छा अपने पास एम्प्लॉयज़ है, इंजीनियर्स है, ट्राई तो करो कुछ बेटर देने का, लिटरली बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप लोग एप्पल को दे सकते हो, एक के बाद एक नया चीज़ें लेके आ रहा है वो लोग। इंटेल से छोड़ दिया अपना कनेक्शन सब कुछ, उसके बाद खुद से अपना खुद का M1 चिप अपना जो मैकबुक है उसके लिए बनाया, और साथ लैपटॉप के लिए तो वो लोग बना ही दिया, ऊपर से अपना खुद जो आईपैड है ना उसमें भी M1 चिप डाल दिया। मतलब आप सोच ही सकते हो M1 चिप कितना तगड़ा और कितना पावरफुल होके निकलेगा भाई। लिटरली बोल रहा हूँ M1 चिप इज वे मोर पावरफुल, जो उसका अभी तक ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं किया गया उसके हिसाब से। अगर वो चीज़ यूटिलाइज हम लोग कर लेना कोई ना कोई एक दिन, तो बहुत ही ज़्यादा हेवी काम हम लोग M1 चिप में कर सकते हैं। लाइक iPad Pro में ही आप लोग बहुत ही हेवी काम जो लैपटॉप में करते हो ना ऐसा वाला चीज़ें आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और एप्पल का जो सॉफ्टवेयर का बात करें भाई, उसको लेके कुछ बात ही नहीं करवाएगा। आईपैड के लिए आईपैड OS, आईफोन के लिए प्रॉपर एक iOS जो बहुत ही ज़्यादा अपडेट आता है, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी हमेशा देता है। और एक चीज़ वो लोग देखना, iOS के साथ आईपैड OS का जो है ना उसको मिक्स नहीं कर दिया है, आईपैड के लिए भी एक अलग सा OS बना है ताकि एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो। तो इस जगह को देख के भी हम लोग को पता चलता है कि एप्पल अपना जो डिवाइस है ना उसको ऑप्टिमाइजेशन के लेके कितना ज़्यादा सीरियस है और कितना ज़्यादा सोचता है। क्योंकि वो लोग अपना कस्टमर के बारे में, अगर एक प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि हर एक बंदा हर एक साल आईपैड या फिर एप्पल का प्रोडक्ट खरीदता है, ऐसा नहीं है। बट वो लोग सोचते हैं कि हम लोग एक बेटर, भले ही वो लोग जितना पे कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल वालों की तरफ से है कि एप्पल वाले एक बेटर चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करें ताकि आने वाला डेज में आप लोगों को अच्छा लगे लाइक वो डिवाइस यूज़ करने के साथ साथ। तो गाइस अगर वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हो ना तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि मैंने बेस्ट डिवाइस गेमिंग के लिए बताया है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो। वो वाला वीडियो राइट साइड में आ रहा है, वो वाला वीडियो देख सकते हो। और लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने रॉयल पास इस सीज़न का मैक्स आउट किया है, लाइक 1 से 50 RP किया है, वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं आज शाम वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।